सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे बरगद की। वट कहिए, बरगद कहिए, ये रिलीजियस प्लांट है, फाइकस बेंगालेंसिस, हाईली मेडिसिनल भी है। मित्रों, आप इसकी जटाएं देख रहे होंगे, जटाएं आप कैसे औषधीय गुणों के लिए उपयोग कर सकते हैं, इन जटाओं की आप राख बना लीजिए और राख को मक्खन मिलाकर अर्श पे लगाने से अर्श की समस्या आसानी से दूर हो जाती है। यह प्लांट रक्त पित्त की शमन करते हुए अपने औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आता है। इसके पत्र को लेकर अगर आप तिल का तेल सिद्ध कर लेंगे तो तिल के तेल को आप बर्निंग की समस्याओं के निराकरण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप 50 मिलीलीटर तिल का तेल ले लीजिए और उसमें 20 ग्राम इसके पत्ते डालकर धीमी धीमी आंच पर पकाइए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप इसको छान लीजिए, किसी भी तरह की बर्निंग होगी तो उसके निराकरण के लिए आप उसको लगा सकते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस प्लांट का जो जूस होता है वो न्यूट्रिएंट से परिपूर्ण होता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने का बहुत अच्छा ये कार्य करता है। वंडरफुल एडेप्टोजन भी है। आप कैसे ले सकते हैं, आप इस प्लांट के दूध को, इस प्लांट के लेटेक्स को 4 से 5 बूंदें पतासे के अंदर डाल दीजिए और पतासे के अंदर डालने के बाद आप उसका सेवन कर लीजिए। दिन में 1 या 2 बार लेंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कई बार डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट काउंट भी डाउन हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए भी आप 4 से 5 बूंदें उसके दूध की पतासे में डाल दीजिए, वो प्लेटलेट काउंट भी बढ़ा देता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। एफ्रोडाइसिक का भी कार्य करता है। एफ्रोडाइसिक क्या होते हैं, एफ्रोडाइसिक जो प्लांट होते हैं वो बाजीकरण के लिए उपयोग में आते हैं। एफ्रोडाइसिक का एक वंडरफुल कार्य करता है, इसके लिए भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। मित्रों, इसका जो लेटेक्स है उसमें आप अगर हल्दी मिलाएंगे तो हल्दी मिलाने के बाद आप उसको पिंपल्स पे, मुहासे पे भी लगा सकते हैं। पिंपल्स और मुहासे के निराकरण के लिए भी आप लेटेक्स को उपयोग में ला सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप इसके लेटेक्स का सेवन कर रहे हों तो ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अगर हृदय की दुर्बलता हो तो ऐसे रोगी कम मात्रा में लें, और ज़्यादा मात्रा में लेने से ये पल्स रेट को बढ़ा सकता है। इसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ मिनरल्स होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, ज़्यादा मात्रा में ना लें। एक समय में 4 से 5 बूंदें बहुत होती हैं जो कि एडेप्टोजन का कार्य करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करती हैं और बॉडी में मिनरल्स की कमी को पूरा करती हैं और वंडरफुल एफ्रोडिसिक का भी कार्य करती हैं। इसके जो आप तना देख रहे हैं, तने का अगर आप डिकॉक्शन लेंगे तो वो डायबिटीज़ के निराकरण के लिए उपयोग में आता है। 5 ग्राम इसके तने की छाल आप ले लीजिए और छाल का काढ़ा बनाकर आप सेवन कीजिए। दिन में 2 से 3 बार आप 10 से 15 ml काढ़ा अगर सेवन करेंगे तो डायबिटीज़ को दूर करेगा, और ना केवल डायबिटीज़ को दूर करेगा, वृद्धावस्था में एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है जिसको पोलीयूरिया कहते हैं, पोलीयूरिया को भी इसकी छाल का काढ़ा आसानी से दूर करता है और पोलीयूरिया से हमें निजात दिलाता है। तो मैं कहूँ इस प्लांट की ये जो आप जटाएँ देख रहे हैं, इसकी छाल देख रहे हैं, इसके पत्र, इसकी छाल देख रहे हैं, ये जटाएं आप देख रहे हैं, इसकी छाल देखेंगे, इसके पत्र देखेंगे, इसकी रूट्स देखेंगे, सभी औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आते हैं। वंडरफुल प्लांट है, ये एडेप्टोजन है, अर्श की समस्या के लिए, डायरिया, डिसेंट्री में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पत्र का क्वाथ बनाकर आप सेवन करेंगे तो डायरिया, डिसेंट्री, डायबिटीज़, इन सब की समस्या दूर हो जाती है। पोलियोरिया की समस्या के निराकरण के लिए आपको इसकी छाल का क्वाथ बनाकर पीना है। अर्श पे लगाने के लिए आप इसकी जटाओं का ऐश बनाकर उसमें मक्खन मिलाकर अप्लाई कीजिए, वो भी दूर हो जाती हैं। ये प्लांट ना केवल रिलीजियस है बल्कि हाईली मेडिसिनल भी है। इस प्लांट को कंजर्व करने के लिए आप कटिंग के माध्यम से इसको कंजर्व कर सकते हैं। अपने आप इसको आप लगाएंगे तो ना केवल मन की शांति प्राप्त होती है बल्कि औषधीय गुण से आप अपने स्वास्थ्य का संरक्षण भी कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, नए पौधों पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नित्य प्रति आपको एक नए प्लांट की जानकारी मिलती रहे। प्रणाम, धन्यवाद।